मैंने भगत सिंह का स्तंभ है अपने गांव में बनवाया है। 28 फीट ऊंचा है, देश का सबसे ऊंचा स्तंभ है भगत सिंह का। यह तो इसलिए कि मुझे भगत सिंह की जीवनी पढ़ने का मौका मिला और मैंने उसमें पढ़ा कि जब भगत सिंह जेल में थे और फांसी का इंतजार कर रहे थे बड़ी बेसब्री से, तो जेल का जो मेहतर था उसका नाम था मोगा, वो मुस्लिम था, तो उसको प्यार से बेबे कहते थे। बेबे का अर्थ होता है माँ, कि वे मोगा को, मेहतर को माँ कहते थे। इसका कारण यह था कि वो कहते थे जैसे मेरी माँ बचपन में मेरा पखाना साफ करती थी, उस तरह से बेबे भी मेरा पखाना साफ करता है, वह मेरी माँ की तरह है। तो उन्होंने कहा कि तुम मेहतर से कहा कि तुम मैं मेरे के लिए खाना बनाओ और रोज खिलाओ। ये जेल में बात, या तो वो तैयार नहीं था, वो संकोच करता था, वो तैयार नहीं होता था, लेकिन अंत में उन्होंने राजी कर लिया जिस दिन मैं फांसी पड़ूंगा उसे कम से कम खाना जो बना खिलाना। और यही हुआ, जो फांसी पड़ने के लिए गए वो, तो उस समय मोगा ने, मेहतर ने खाना बनाया और खाना खिलाया था। ये बहुत बड़ी बात है। मैं सोचा ऐसा महान क्रांतिकारी दुनिया में कोई नहीं हुआ है, इसलिए उन्होंने तो बुद्ध, ईसा मसीह, गांधी जी से भी आगे बढ़ गए। इस महानता को देखकर, भगत सिंह की इंसानियत की भावना को देखकर मैंने भगत सिंह का स्तंभ बनवाया है गांव में और गांव का नाम रख दिया है भगत सिंह नगर।